शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेवकूफ उल्लू की दुम, तुझे शर्म नहीं आती? तूने कपड़े नहीं पहने, लोग क्या कहेंगे कि चंदर टेलर जो पूरे शहर के नंगे कपड़े सिलता है उसका असिस्टेंट नंगा? गुरु, मैं तो कम से कम चड्डी में हूँ, तुम अपनी देखो। हाँ देखो, देखो। अरे यार, मेरे कपड़े कहाँ गए? आज अमावस है ना, इसलिए मेरे कपड़े चले गए। अमावस तो तुम्हारे लिए थी, लेकिन मेरे कपड़े क्यों चले गए? तू अमावस का चमत्कार समझता नहीं है। अमावस तेरे लिए भी थी, तभी तो तेरी चड्डी बच गई। तू हट। अरे साला, आंखें फूट गई का तुम्हारी? अरे जीवा भाया, हमारी किस्मत फूट गया है। क्या हुआ? अरे जिस औरत के पास कपड़े बेचने जाऊं, या तो थप्पड़ मारे है या फिर गाली देवे है। क्यों? क्योंकि औरतें कपड़े सिलवाने के लिए शहर जाना नहीं चाहती, और अपनी कॉलोनी का लेडीज टेलर चंद्रलाल सी नंबर वन है। वो कपड़ों सी तो नहीं, मारो कपड़ों बिक तो नहीं। ओ साला, हमरा होते कॉलोनी की महिलाओं को तकलीफ हो, ये तो बढ़िया बात नहीं है। वही तो। साला तू एक काम कर, उस चंदर को जाके बोल, अगर जीवा भैया की बात नहीं ना मानी तो 2 महीने में जनार्दन भैया आने वाले हैं, फिर उसके बाद उसकी दशा वो भीगा कुत्ता की तरह हो जाएगा। बेटा चंदर, अब तो थारे को काम करना ही पड़ेगा। क्या हो गया तुझे? मेरे पास क्यों नहीं आती? आना आना। ओ बावले पंडित, चंदर क्या कर रहे हो? खुद अंदर जाओ और देख लो। चल तू भी चल। अरे मैं, अरे रुको, कहा क्या? अब मजाक मत कर, बहुत हो गया। अरे आजा। ये किससे बातें कर रही हो? छिपकली से। छिपकली? देख, मैंने तेरे लिए सारे शास्त्र खंगाल डाले हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर तू मेरे दाएं बाजू पर गिरकर मुझे दौलतमंद बना गई थी, तुझे कभी कीड़े मकोड़े नहीं खाने पड़ेंगे। तुझे मैं लखनऊ का कबाब खिलाऊंगा, कबाब। और अगर तू मेरे माथे पर गिरकर ताज पहना देगी तो मैं तुझे कलकत्ते का रसगुल्ला खिलाऊंगा, रसगुल्ला। और अगर मुंह में गिर गयो तो मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगा। अरे नाराज क्यों हुए हमारे बाप? हमारी बात सुन। देख, इस कॉलोनी में तू अकेला लेडीज टेलर है। तू कपड़े सिएगा नहीं, लोग कपड़े पहनेंगे नहीं, लोग कपड़े पहनेंगे नहीं तो हमारा कपड़ा बिकेगा नहीं। अरे भाया, इसमें ना थारा भला है ना हमारा भला। सुन, तू ये शास्त्र वास्त्र को छोड़ और कपड़े सिल। तू एक बात बता एफटीबी, तेरे पास टीवी नहीं है? अब टीवी सोच ले उधर रखा हुआ है, और तेरे पास रिमोट कंट्रोल नहीं है, और तू यहाँ बैठे बैठे टीवी ऑन करके दिखा। अरे पागल हो गए के? बिना रिमोट का बटन दबा टीवी ऑन कैसे होगा? अरे यही तो है किस्मत का बटन। अगर जिस दिन किस्मत का रिमोट बटन मिल गया ना, तो सीधे अमिताभ बच्चन, टाटा, बिल्ला अंबानी सब कुछ बन के दिखाऊंगा। और जो नहीं ढूंढ पाया वो तुम, ये और बाहर बैठा साला मोची, तीनों धरती के ऊपर बोझ और फटने के लिए मेरा सर। और गुरु तुम? अरे मैं तो देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाला हूँ। ऐ मेरे चांदनी के चांद, अबे देश की इकोनॉमी को छोड़ भाया, अपने और हमारे पेट की इकोनॉमी के बारे में सोच। अबे कपड़े नहीं सिएगा तो कैसे काम चलेगा? शास्त्रों के चक्कर को छोड़ और कर्म में विश्वास कर। अजगर करे नचा करी, गुरु आगे। पंछी करे नका, गुरु आगे। दास मलूका कह गए, गुरु आगे। सबके दाता राम, समझे बेवकूफ? शर्म आ रही तेरे को? कुत्ते की तुम 12 साल नली में रखो, फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी ये है वो। अच्छा, मुझे यार ये कहावत पता चली, नहीं तो नलकी में दुम डालने की गलती तू कभी नहीं करता। देखा, फिर भूल गयो अपनी औकात। अगड़म बगड़म बम बम बम। कौन गाली दे रहा है यार? गाली नहीं, मैं तेरी किस्मत का ताला खोलने आया। कहाँ है किस्मत? वो तो मेरी दिव्य दृष्टि से दिखाई देगी। अरे महाराज, आपकी दिव्य दृष्टि तो बहुत कमजोर लग रही है। मुझे तो तेरे नक्षत्र कमजोर लग रहे हैं। शनि सर पे मंडरा रहा है,
राहु केतु कुंडली मार के बैठे हैं। तेरे जीवन पे तो ग्रहण लग चुका है। 12 साल बहुत तकलीफ में बीतेंगे। और बाद में? बाद में तुझे आदत पड़ जाएगी। कैसे? तकलीफ नहीं होगी तो तकलीफ होगी। महाराज ये सब आपको कैसे पता? ले बेटा ये देख ले। ये क्या है? हाँ देखना है। सचिन तेंदुलकर। हाँ बाजू में मैं। अमिताभ बच्चन। बाजू में मैं हूँ। बिल गेट्स। बाजू में मैं। इंदिरा गांधी। बाजू में मैं। महात्मा गांधी। बाजू में मैं। महाराज। हाँ जी। कैंची उठा के और मशीन चला चला के मैं उगता चुका हूँ। आप कोई आसान तरीका बताइए जिससे मैं माला माल बन जाऊँ। ला बेटे, तेरी हस्त की रेखाएं मैं देखता हूँ। तेरी भाग्य की रेखा तो सीधी है जी, लेकिन कर्म की रेखा टेढ़ी है। महाराज पाइप में डाल के थोड़ा वो थोड़ा मार्ग सीधी नहीं की जा सकती तो हाथ टेढ़ा हो जाएगा। तू माला माल बन सकता है जी, लेकिन एक समस्या है। समस्या? बालक तेरी कुंडली में मंगली दोष है। 45 साल के बाद शादी करेगा तो ये सब दोष निकल जाएंगे। महाराज मंगली दोष तो खत्म हो जाएंगे पर तब तक दूसरे दोष शुरू हो जाएंगे, उनका क्या? ऐसे सब कामों के लिए तो ज्योतिषियों का जन्म होता है बेटे। सिर्फ 500 रुपया दे दे और बाद में देख सब मंगल मंगल मंगल। 500? इससे काम चला लीजिए। ये तो ही रख ले, 12 साल तकलीफ भुगतेगा। महाराज तब तकलीफ मत दो, ये आप इसमें आप कर लीजिए। रख ले 6 साल तक। नहीं नहीं महाराज बैठिए बैठिए बैठिए। महाराज कोई दूसरा उपाय? कुछ नहीं, 500 रुपया। क्या देख रहे हो? नोट का भविष्य देखना पड़ता है। अभी अभी इलेक्शन जो हुए हैं। बालक तू शादी कर ले। शादी करने से तेरी किस्मत चमकेगी। अच्छा? हाँ तू राजा बनेगा। राजा? महाराजा बनेगा। जिसकी दाई जांग पर तिल हो ऐसी लड़की तू ढूंढ और मार खा। नहीं नहीं माल खा माल। अब पर महाराज मेरी कॉलोनी में तो बहुत सी लड़कियां हैं तो उनमें तिल वाली लड़की को कैसे ढूंढूं? बहुत सरल है बालक। दुनिया में 5 जाति की लड़कियां होती हैं, हस्तिनी शंखिनी चित्तिनी मोहिनी और पद्मिनी। ये लड़कियों की जाति क्या होती है महाराज? बताता हूँ बालक बताता हूँ। इतने उतावले मत हो। हाँ। ये बिपाशा मल्लिका और सलीना को देखकर क्या लगता है? इन्हें देखकर तो दिल बाग बाग हो जाता है महाराज। अब ये बता माधुरी जूही और ऐश्वर्या को देखकर क्या लगता है? इन्हें देखकर तो शादी करने का मन करता है महाराज। यही तो पद्मिनी जाति की लड़कियाँ है। पर बाकी की जाति क्या होती है महाराज? तुझे क्या करना है बालक? ऐसी लड़की तू ढूंढ और उसके साथ तू शादी कर। हाँ। पर शर्त यह है कि उसकी दाई जांग पर तिल होना चाहिए। तिल। धन्यवाद महाराज। आशीर्वाद। धन्यवाद महाराज। आशीर्वाद। महाराज आप भगवान हो। धन्यवाद महाराज। आशीर्वाद। भविष्य देखकर मुद्रा कमाए, चलो किसी और का कल्याण करे। भायो मारी राम प्यारी को ऐसा चमका दे, ऐसा चमका दे, ऐसा चमका दे कि। अरे ब्रेक तो छोड़ दो। चमकेगी तो अब मेरी किस्मत। एफटीबी तू ये खटारा भंगार में बेचकर सोने की खटारा खरीदने की तैयारी कर, मेरा राजयोग शुरू हो रहा है। दिन में सपनों देखे हुए हैं। नहीं नहीं सपना नहीं, सच। एक महान ज्योतिषी ने कहा है कि अगर मेरी शादी पद्मिनी जाति की लड़की से होगी तो मैं राजा बनूंगा, कुबेर भी मेरी दौलत को देखकर जलेगा। गुरु तुम राजा तो मैं प्रधानमंत्री। और भाई मैं तू 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 सेनापति। पर मैंने कपड़ा बेचने को तो मिलेगा ना। की बात हो गई। कर दी ना छोटी बात, इसको आधा राज भी देंगे तो भी भीख मांगने ले कटोरा आगे बढ़ाएगा। ठीक है भाई आपको नहीं बोलूं मैं, पर ते भी एक छोटी सी बात कर दे, जल्दी से शादी कर डाल। अरे शादी तो कर डालू पर एक प्रॉब्लम है। क्या? पद्मिनी जाति की लड़की को ढूंढूं कहाँ, वो भी ऐसी जिसकी दाई जांग पर तिल हो। अरे बाबले पंडित पगला गयो है। अरे नहीं। पगला गयो है ये, लड़की की जांग पर तिल ढूंढने की सोच है। अरे गुरु वो जनार्दन भाई याद है ना, पता है ना वो जेल क्यों गया है? जनार्दन भाई
माने नहीं ना हमारी बात? बचा लो मुझे भाई। अब देखो, माफ कर दो, देखो भैया का इंसान। भीमा भाई, औरतों की इज्जत के साथ जो लोग खिलवाड़ करते हैं उनके साथ जनार्दन भाई क्या सलूक करता है जानते हो ना? जनार्दन भाई मुझे माफ कर दो। देखिए भीमा भाई, मैं आज भी आर्मी के सिद्धांत पर चलता हूँ। अगर आज आपको माफ कर दिया तो कल आप जैसे 10 और भीमा यही काम कर गुजरेंगे और ये जनार्दन भाई के सिद्धांत इससे गौरा नहीं करेंगे। मुझे माफ कर दो जनार्दन भाई। जी माफ कर दो। इला गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो जनार्दन भाई, माफ कर दो, गलती हो गई, माफ कर दो भाई। क्या हुआ गुरु? अरे वो ज्योतिषी से ये पूछना तो भूल ही गया कि जनार्दन भाई का राम नाम कब सत्य होगा। तू डर मत भाई, जनार्दन भाई को जेल से छूट कर आने में अभी वक्त है। पर वो जीवा? ओहो, बड़े आदमियों के आँख कान हुए हैं उनके चमचे, और जनार्दन भाई का चमचो है जीवा, जो हमारे साथ तीसरी कक्षा में चौथे बेंच में 5 साल तक पढ़े हुए हैं। उसको तो मैं संभाल लूंगा। हाँ हाँ, लेकिन तिल ढूंढने के चक्कर में औरतें चप्पलों से तो नहीं मारेंगे ना? अरे अरे देख, काम कर। हाँ। इस पगली के लिए बड़ी ओसा ड्रेस सिल। हाँ। ये पहन के घूमेगी तो कॉलोनी में थारी पब्लिसिटी हो जाएगी। हाँ बस फिर क्या गुरु, कॉलोनी की सारी लड़कियाँ हमारे पास। हाँ। और उनमें से किसकी दाई जांघ में दिल है, मतलब दिल है, वो ढूंढने में आसानी हो जाएगी। और जो ग्राहक थारे पास कपड़े सिलवाने के लिए आएंगे वो कपड़े खरीदेंगे किससे? किससे? मारे से। इस तरह थारो भी बलो हो जाएगा और मारो भी बलो हो जाएगा। चलो चलो ठीक है, ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। तो भी कॉन्ट्रैक्ट पक्का? आज से तिल ही हम तीनों का रिमोट बटन है।